मर्कंडाइज प्लानिंग मर्कंडाइज प्लानिंग रिटेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिटेल के सभी लेवल्स में आपको दिखेगा तो इसके हमने सारे जो नोट्स थे वो हमने पहले वीडियोस में कवर कर लिए हैं और आज हम मर्कंडाइज प्लानिंग से रिलेटेड सारे एम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद मी ज्योति सिक्का माई सेल्फ एंड यू आर हेयर ऑन माई चैनल लर्निंग लर्निंग स्किल से कौन सा जनरल मर्कंडाइज रिटेलर का टाइप नहीं है नंबर वन डिस्काउंट स्टोर नंबर दो स्पेशलिटी स्टोर नंबर तीन कैटेगरी स्पेशलिस्ट नंबर चार पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो इनमें से कौन सा जो है वो जनरल मर्केंडाइज रिटेलर में नहीं आते हैं सो so, इसका राइट right आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ये uh, रिटेलर जनरल मर्केंडाइज रिटेलर में नहीं आते हैं ठीक है एमसीक्यू नंबर डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ राइट्स ऑफ मर्कंडाइजिंग इसमें से राइट्स ऑफ मर्केंडाइजिंग क्या नहीं है राइट्स ऑफ मर्कंडाइजिंग मतलब मर्केंडाइजिंग का राइट right नहीं है अधिकार नहीं है नंबर वन मार्केट नंबर बी एनवायरमेंट नंबर नंबर सी क्वांटिटी डी वेयर हाउस तो इनमें से क्या है जिसका मर्कंडाइजिंग का राइट right नहीं है वेयर वेयर हाउस हाउस जो है ये मर्केंडाइजिंग राइट में नहीं आता है क्योंकि जो कस्टमर है उसका मार्केट पर भी राइट right है कि वो कौन सी मार्केट को चूज करे एनवायरमेंट क्वांटिटी सब पर कस्टमर का राइट right है लेकिन वेयर हाउस पर कस्टमर का राइट right नहीं है ये किसका राइटर रिटेलर का कि वो किस तरह वेयर हाउस चूज करता है मैन अप्रेल द फॉलोइंग क्लास डज नॉट एग्जिस्ट मैन Aprils जो होते हैं जो जेंट्स कपड़े होते हैं जो जेंट्स का सेक्शन होता है जिसमें जेंट्स ड्रेसेस होती हैं उसके अंदर क्या नहीं होता है ए स्कर्ट्स नहीं होते बी शर्ट्स या पैंट्स नहीं होते हैं सी पैजामा नहीं होता डी कुर्ता नहीं होता तो इसमें से क्या है जो मैन अप्रैल में आपको नहीं मिलता है यस yes, इसका राइट right आंसर होगा बहुत ही आसान है आपको अब तक पता भी लग गया होगा इसका राइट right आंसर है ए स्कर्ट्स स्कर्ट्स जो है वो मैन सेक्शन में नहीं होते हैं ये वुमेन सेक्शन में मिलेंगे आपको एमसीक्यू नंबर फोर डैश इज नॉट फैक्टर ऑफ मर्केंडाइज

ये एडम लेवल पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आता है इसके अंदर सिर्फ मर्केंडाइज प्लानिंग नहीं होता है पूरे स्टोर का प्लानिंग इसमें आता है ठीक है कि स्टोर कहाँ पे बनेगा कैसे बनेगा पार्किंग कैसे एवरीथिंग रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं ये इसमें आते हैं एमसीक्यू नंबर फाइव डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ मर्केंडाइजर्स नहीं आते हैं जूनियर मर्केंडाइजर एग्जीक्यूटिव मर्केंडाइजर या डी फाइनेंस मैनेजर तो ऑप्शन से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा इसमें मर्केंडाइजर इंक्लूड नहीं है थोड़ा सोचिए फिर हम आंसर बताएंगे आपको यस yes. फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर जो है ये मर्कंडाइजर की लिस्ट में नहीं आता बिल्कुल भी, भी तो वैसे ही वो फाइनेंस मैनेजर जो है वो मर्कंडाइजर तो है ही नहीं तो वो नहीं आएगा एमसीक्यू नंबर सिक्स द मेन फंक्शन ऑफ एडमिन मर्कंडाइजर इज एडमिन मर्कंडाइजर का मेन फंक्शन क्या है मैनेजिंग साइट एंड लोकेशन Assembling. Assembling मतलब सब कुछ इकट्ठा करना, करना जो भी हैं उसके को को देखना या site और location को देखना या या और है इसका leadership. Leadership करना. तो इसमें admin, admin में जब भी हम एडमिन की बात करते हैं ना तो उसका जो ऑप्शन होता है वो होता है लीडरशिप लीडरशिप जो है ये एडमिन का सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो एडमिन को एडमिन Admin, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होगा उसको बनाना है क्वेश्चन नंबर सेवन द पर्सन वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मर्केंडाइजिंग एक्टिविटीज फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज इसमें से कौन है जो एक पर्टिकुलर एक लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मतलब पूरे डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक लाइन पर्टिकुलर लाइन का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है उसका या कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन हो सकता है इसमें फाइनेंस मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर या पर्सनल पर्सनल मैनेजर या डिविजनल मर्केंडाइज मैनेजर कौन हो सकते हैं इसमें से चारों देखो फाइनेंस मैनेजर जो ये पूरा फाइनेंस संभालेगा प्रोडक्शन मैनेजर पूरा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट संभालेगा पर्सनल मैनेजर पूरे स्टाफ को देखेगा और डिविजनल मर्केंडाइज मैनेजर जो है इसको पर्टिकुलर एक डिवीजन दिया जाएगा मतलब जैसे जैसे का फिर हैं तो 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 में बहुत सारे sections होंगे आपके एक तो एक जिसको एक particular children section दिया है वो division हो गया उसका मर्केंडाइज तो मैनेजर जो होता है ना ये ही इसका राइट right आंसर है क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर सेक्शन मिला है जिस पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमसीक्यू नंबर एट एट सप्लायर लेवल सप्लायर के लेवल पर मतलब जहां पर आप सप्लाई कर, कर, करते हो अपनी गुड्स की जहां से आपके पास सामान आता है एज ए रिटेलर बोल रही हूँ मैम रिटेलर के पास जहां से सामान आता है वो सप्लायर लेवल हुआ मर्केंडाइजर्स फंक्शन डैश इज नॉट इंक्लूडेड इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है विजिट टू सप्लायर ऑफ सेलेक्ट गुड्स मतलब सप्लायर uh, के पास जाना गुड्स सेलेक्ट करने के लिए नेगोशिएट प्राइस प्राइस को नेगोशिएट करना ऑर्डर करना गुड्स की सी पार्ट है इसका ऑर्डर गुड्स मतलब तो है, है वहां पर प्राइस नेगोशिएट करेगा ऑर्डर देकर आएगा सामान का और फिर वापिस आ जाएगा इसके बाद ट्रांसपोर्ट से सामान आएगा और जो ओनर है ना रिटेल स्टोर का वो बाद में उसको फाइनल पेमेंट करेगा तो ये मर्केंडाइजर का काम नहीं है क्वेश्चन नंबर ए विजुअल मर्केंडाइजर टेक्स केयर ऑफ़ रिप्रेजेंटिंग ए सोशल थीम जो विजुअल मर्केंडाइजर है विजुअल मर्केंडाइजर कौन होता है जो स्टोर के अंदर सारे डिस्प्ले को देखता है प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले को देखता है स्टोर की लाइट्स वगैरह सबको देखता है ठीक है वो होता है विजुअल मर्केंडाइजर वो किस चीज की के टेक केयर करता है मतलब किस चीज का ध्यान रखता है विंडो डिस्प्ले की कस्टमर्स की सप्लायर्स की एजेंट्स की तो वो विंडो डिस्प्ले को सबसे ज्यादा देखता है विंडो डिस्प्ले होता है रिटेल स्टोर के एंट्री पर या बाहर जो जैसे शीशे लगे हुए बाहर आपने डिस्प्ले किया हुआ है इस पर उसका सबसे ज्यादा फोकस होता है क्यों क्योंकि जो भी आने जाने वाले लोग हैं वो किसी भी रिटेल स्टोर में तभी आते हैं जब बाहर का डिस्प्ले जो होता है उसका वो अगर अट्रैक्टिव होता है तभी वो रिटेल स्टोर के अंदर आते हैं तो विंडो डिस्प्ले पर वो सबसे ज्यादा ध्यान बाई विजुअल मर्कंडाइजर इन क्रिएटिंग डिस्प्ले इसमें से क्या है जो कि विजुअल मर्कंडाइजर ले सकता है इसमें से किस चीज पर ध्यान सबसे ज्यादा दे सकता है तो पैकेज पे लाइटिंग पे बास्केट पे ट्रॉली पे सबसे ज्यादा ध्यान उसको कहाँ पे देना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है पैकेज का मतलब होता है जो गुड्स की पैकिंग होकर आई है ठीक है लाइटिंग मतलब जो स्टोर की जो लाइट होगी उस पर ध्यान देगा या बास्केट और ट्रॉलीज पर ध्यान देगा तो सबसे ज्यादा ध्यान वो देगा लाइटिंग पर क्योंकि लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटेल स्टोर के अंदर अगर लाइट जो होती है ना वो प्रोडक्ट की थीम के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो कस्टमर वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकेगा उसको वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो ठीक है तो इसका राइट आंसर हुआ लाइटिंग क्वेश्चन नंबर इलेवन फूड मर्केंडाइजिंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ फूड मर्केंडाइजिंग में क्या क्या शामिल नहीं होता देखो तो पिक्चर से भी समझ में आ रहा है कि फूड में क्या क्या शामिल नहीं होगा रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, आइसक्रीम पार्लर या फुटवेयर तो फूड मर्केंडाइजिंग जब खाने से रिलेटेड हम मर्केंडाइजिंग बोल रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट फुटवेयर तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होंगे ठीक है सबसे इजी क्वेश्चन और इसका राइट right आंसर है फुटवेयर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश में ऑल्सो बी यूज टू एडवर्टाइज सीजनल सेल सीजनल सेल पति क्या होती है सीजनल सेल का ये मतलब होता है कि जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों के अकॉर्डिंग जो हमारे ड्रेसेस हैं उसकी सेल होना या जैसे सीजनल सेल को ये भी कह सकते हैं कि जैसे सर्दियां खत्म होने वाली हैं मान लो ठीक है सर्दियां खत्म हो गई ऑलमोस्ट ठीक है वेदर इज चेंजिंग तो आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है सीजन का विंटर सीजन का आप उसकी सेल लगाते हो ठीक है उसे भी सीजनल सेल बोला जाएगा और इनफॉर्म पासर्स अदर करंट प्रमोशन तो इसमें से क्या यूज कर सकता है विजुअल मर्केंडाइजर सीजनल सेल को in, को इनफॉर्म करना मतलब लोगों को बताना कि हमारे यहाँ पर सीजनल सेल लगी है या प्रमोशन प्रमोशन का मतलब होता है सेल को बढ़ाने के लिए कोई उसने ऑफर दिया है डिस्काउंट दिया है बाय वन गेट वन फ्री दिया है या फिफ्टी परसेंट ऑफ दिया है ये होते हैं प्रमोशंस ठीक है इसको वो कस्टमर को बताएगा कैसे वो नंबर वन न्यूज़पेपर, नंबर बी रेडियो नंबर थ्री डिस्प्ले विंडो, नंबर थिएटर। तो इसमें से वो कौन सा मेथड यूज कर सकता है जिससे कि वो अपनी सेल को बता सके डिस्प्ले विंडो अगर वो अपने स्टोर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगा देगा ना कि वहां पर बाय वन गेट वन फ्री है तो सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी फैलने वाला मेथड है क्योंकि वहां से जितने भी लोग आएंगे जाएंगे वो उसको देखेंगे कि हाँ यहाँ पर सेल लगी है ऑफर लगी है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आप लर्न कर लो अच्छे से और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिख देना आई विल सॉल्व इट ठीक है सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर अगेन थैंक यू